देखो आप, ये आंसर मैं दूंगा, पर आप लोगों ने तो सारों ने देखी है ना वो। आप लोगों को कहीं लग रहा है अभी वो दबाव में हुई हुई है, महाराज जी हंस रहे हैं, बैठे हैं अपने, उनके दोस्त हैं, और ये वसीयत एक दिन में तैयार नहीं हुई। ये जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है अपने खुद हाथों से। ये देखो, ये लिखी हुई, पहले हाथ से खुद लिखी है, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है, ये देखो ये लिखाई, ये आप इनकी फ़ोटो खींच के भी, फोटो कॉपी चाहिए फोटो कॉपी आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने है ना हाथ से लिखी है जी, हाथ से लिखने के बाद ये एक पेज, दो पेज, तीन, ये पेज, तारीख 1/1/2023 को, ठीक है जी, अपने हाथ से लिखी। अपने हाथ से लिखने के बाद सुमेर लाल जी, उनकी बेटी है एक, उनकी बेटी एडिशनल सेशन जज लुधियाना के अंदर है, तो उनको बुलाया, हमारे ट्रस्टी को बुलाया, एक सौरव मल्होत्रा दिल्ली का एडवोकेट सत्संगी है उसको बुलाया, उनको ये डायरी दी भी ये वसीयत तैयार कर दो। उसके बाद वसीयत तैयार करके लेके आए और उन्होंने सारों ने साइन की। साइन करने के बाद ये वो लड़का लेके नहीं आ गया, देना फिर छोड़ना। ये देखो जी 28, ये कितने जनवरी की बात थी, 1 जनवरी, 1 जनवरी को तो उन्होंने हाथ से लिखी। हाथ से लिखने के बाद 28 जनवरी को इन सबको बुलाया, ये कच्ची वसीयत लिख दी भी, रजिस्टर्ड करवानी विल कोई जरूरी नहीं होती, दो गवाह आप रख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन ये इतने टाइम बाद उजागर क्यों नहीं किया? इसके भी मैं अभी आंसर देता हूँ, पहले आप ये चीज़ देख लो, ठीक है जी। ये होगी, फिर उसके बाद फिर ये रजिस्टर्ड करवा देगी। ये कराई 17/2/2023 को दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये आप ये देख सकते हो, इसके नंबर वगैरह फ़ोटो जो भी आपको चाहिए, ठीक है, इसकी कॉपी चाहिए मैं कॉपी दे दूंगा आपको, ये देख लो। ये एक दिन में नहीं ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके अंदर तीन बार, तीन चार, जैसे 1 जनवरी को ये करी गई, फिर 28 जनवरी के आसपास ये हुई, और 17 फरवरी के पास ये हुई। अगर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई वो होता तो आदमी आनन फानन के अंदर 1 या 2 दिन में करता है। उसके बाद महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, उनसे महाराज जी डेली बात करते थे, अगर कुछ ऐसी बात होती तो बता देते। अगर कोई आदमी किसी को प्रेशर में रखता है तो वो 30-25 साल तक कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते, आपकी झूठ का पर्दाफाश कहीं ना कहीं ना बहुत जल्दी हो जाता है। ये सबसे अभी आप कुछ कह रहे थे उजागर क्यों नहीं के, बताओ क्या बताना। सत्संग में पहले बताई क्यों नहीं गई, मतलब। अच्छा, अब आप एक बात बताओ भी, इसके अंदर डेरे के किसी आदमी का या मेरा या डेरे की मैनेजमेंट का कहाँ पे कसूर है? ये उनकी मर्जी है, वो उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा या महाराज जी का कसूर कहाँ है? जब वीडियो सामने है, जब वसीयत सामने है, सारी चीज़ें हैं उनकी, नहीं वो हुई। एक मेरे को नई बात पता लगी है कल रात को ही, जो महाराज जी के दोस्त हैं, मेरे को पहले नहीं पता था इस बात का, महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, आज शाम को वो डेरे में आ रहे हैं, आप लोग सारे अगर उनका भी इंटरव्यू करना चाहे आप इंटरव्यू करिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी को मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में बोल वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता तू कर दे। वो कहते मेरी भी पिछले 1.5-2 साल से तबीयत खराब रही, मैं डेरे नहीं आ सका, और महाराज जी की भी खराब होगी, तो कहीं इनकी क्या कारण रहा इसके ऊपर, ये महाराज जी की मर्जी है उनकी वो बात है, लेकिन इसके अंदर डेरे के मैनेजमेंट का हमारा तो कोई वो नहीं है ना।